हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं खुद एयरपोर्ट पर काम करता हूं, तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ताकि जब भी आप एयरपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की परेशानी आपको ना हो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप फ्लाइट से जर्नी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ़ जर्नी करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते। हम बात करेंगे कि आप अपने बैग में, यानी हैंडबैग और चेक इन बैग में क्या नहीं लेके जा सकते। बाकी तो सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एक्सप्लोसिव। चाहे एक्सप्लोसिव आप चेक इन बैग हो या हैंड बैग में हो, आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई भी वेपन आप हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, उसको आप चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं। वेपन यानी कोई भी पिस्टल या कोई आपकी राइफल है, या आप शूटिंग कोई गेम खेलते हैं तो आप उसको चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है जो मैं आप अपनी अगली वीडियो में आपको तसल्ली से बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे कि आग लग सकती है, उसको आप चेक इन बैग में या हैंड बैग में किसी में भी नहीं लेके जा सकते। तो देखिए दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरल पैसेंजर अपने साथ कैरी नहीं करता। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कॉमन पैसेंजर अपने साथ कैरी कर लेता है, जैसे कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कैंची, चाकू या कोई ब्लेड। ऐसी चीज़ें पैसेंजर अपने साथ में कैरी करते हैं कई बार, लेकिन वो सब चीज़ें हैंड बैग में अलाउ नहीं होती, उसको आप चेक इन बैग में डाल सकते हैं। इसी तरह से बात आती है लिक्विड की। जो भी आपके पास लिक्विड है, चाहे वो पानी हो, चाहे आप कोई तेल या शैम्पू अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो 100 ml से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। साथ के साथ उसका जो कंटेनर है वो भी 100 ml का ही होना चाहिए एज़ पर रूल। इसके अलावा जब भी आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके टॉय में टॉय गन नहीं होनी चाहिए हैंड बैग में। अगर आपके पास कोई भी टॉय गन है, या आप कोई भी टॉय गन परचेज़ की थी कहीं से बाहर से और आप उसको सिक्योरिटी चेक में लेके आते हैं, तो आप कोशिश करिए उसको चेक इन बैग में ही डालें, क्योंकि हैंड बैग में टॉय गन अलाउ नहीं होती, चाहे वो किसी भी कलर की, किसी भी डिज़ाइन की या किसी भी पदार्थ से बनी हो, प्लास्टिक की हो, वुडन की हो या मेटल की हो, वो हैंड बैग में अलाउ नहीं होती। अगर कोई भी ऐसा टॉय है जिससे कि लोगों को अचानक देखने पर डर लग सकता है, जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, जो कि एकदम रियलिस्टिक लगते हैं, तो उसको भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी वाइन बॉटल है तो वाइन बॉटल को हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। वाइन बॉटल को आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। वाइन बॉटल की भी एक क्वांटिटी निर्धारित है एयरलाइन के द्वारा। जनरली एक बैग में आप 4 बॉटल, यानी एक एक लीटर की 4 बॉटल डाल सकते हैं। फिर भी अगर आप वाइन बॉटल को आप कैरी करते हैं तो एक बार एयरलाइन से कंसर्न जरूर करें। हैंड बैग में वाइन बॉटल एक ही सूरत में अलाउ होती है। अगर आप किसी दूसरे एयरपोर्ट से आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हैं और आप वाइन बॉटल वहां से खरीद के लेके आते हैं, तो एक वो ट्रांसपेरेंट बैग में मिलती है जिसको हम STEB बैग बोलते हैं। अगर आप उस बैग में लेके आते हैं और आप ट्रांसफर एरिया से, जो कि हर एयरपोर्ट पर जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, अगर किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रांसफर एरिया, यानी जब आप अराइवल में अराइव होते हैं तो वहीं से एक रास्ता जाता है जो कि बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है, तो आप दोबारा से सिक्योरिटी चेक कराकर आप डायरेक्ट ही बोर्डिंग गेट पर पहुंच सकते हैं। आपको बाहर निकलकर दोबारा डिपार्चर गेट पर आने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ट्रांसफर एरिया से ही वाइन बॉटल हैंड बैग में अलाउ होती है। जिन लोगों को स्मोक करने की आदत होती है, अगर वे लोग लाइटर या माचिस अपने हैंड बैग में लेके आते हैं तो वो भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। माचिस को आप चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं, लेकिन लाइटर को चेक इन बैग में भी अलाउ नहीं किया जाता। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर स्मोकिंग जोन होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लाइटर अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर आप जाकर के स्मोक कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप माचिस या लाइटर को कैरी करें। एक और परेशानी आती है दोस्तों, वह है ड्रोन की। ड्रोन के साथ में क्या परेशानी है, एक मिनी ड्रोन जो होते हैं उसको अलाउ किया जाता है हैंड बैग में। ऐसा कोई स्पेसिफिक साइज बताया नहीं गया है, लेकिन आपके पास कभी भी ड्रोन है या ड्रोन से रिलेटेड कोई टॉय है तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। अगर ड्रोन में बैटरी है, जो कि चेक इन बैग में अलाउ नहीं होती है, तो उसको आप अपने साथ कैरी करें हैंड बैग में, लेकिन ड्रोन हैंड बैग में अलाउ नहीं होता, उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। इसके अलावा कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि बैंड हो, वर्जित हो, उसको आप हैंड बैग में या चेक इन बैग में कैरी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट में इन सब चीज़ों को समझने का एक ही तरीका है। सबसे मेन जो आप फोकस करें वो करें लिक्विड पर। अगर आपके साथ में कोई भी लिक्विड, यानी कोई भी जेल जैसे कि तेल, शैम्पू, घी, पानी, ये सब चीज़ें आप कैरी करते हैं हैंड बैग में, तो आप कोशिश करिए कि उसको 100 ml ही लेके जाएं। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी ना करें। साथ ही साथ एक और चीज़ है, वो हो सकती है स्पाइसेस, यानी कि मसाले। मसालों के लिए ये बोला जाता है रूल में कि मसाले चाहे साबुत फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, कोई भी मसाला, किसी भी तरीके का मसाला हैंड बैग में अलाउ नहीं है। अगर आप किसी भी दूसरी स्टेट में गए हैं और वहाँ से कोई भी फेमस मसाला लेकर आते हैं, चाहे वो साबुत फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, उसको हैंड बैग में कैरी ना करें। इस तरीके के जो भी सामान है वो आप अपने चेक इन बैग में ही डालें। इसी तरह से जो मैंने शार्प ऑब्जेक्ट बताया था, उसमें एक चीज़ और आती है, स्विस नाइफ।
काफी लोगों को शौक होता है वो स्विस नाइफ को कैरी करते हैं, अपने साथ में रखते हैं, तो इसलिए कभी भी स्विस नाइफ को आप अपने हैंड बैग में कैरी ना करें। साथ ही साथ नेल कटर भी, जिसमें कि ब्लेड लगा होता है, उसको आप अपने साथ कैरी ना करें। उसको आप चेक इन बैग में डालें, अगर जरूरी ना हो तो अपने साथ में ना लेके जाएं। किसी भी डिले से बचने के लिए अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी ज्वेलरी या ज्यादा तादाद में केबल, चार्जर, अडैप्टर्स, अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको आप अपने बैग से पहले से ही निकाल कर रखें, ताकि सिक्योरिटी ऑफिसर को बैग को चेक करने में दिक्कत ना हो और एक बार में आपका बैग क्लियर हो जाए। आप सिर्फ इतना सा काम करने से अपना काफी समय बचा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सही जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप जानना चाहते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।